तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो, और इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली जो इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है, फिर उसके हम कुछ क्षेत्र को देखेंगे, फिर उसको महत्व को देखेंगे। तो बेसिकली आज की जो वीडियो शॉर्ट में होने वाली है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। जैसे कि इस टॉपिक को आपने 11th में पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और फिर 20th में माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है एक थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है एक हिंदी आपका छोटा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें बेसिकली हमें जो 12th क्लास के हिसाब से हमें जो पढ़ना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब भी पढ़ेंगे हम पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, ना कि हम किसी एक पर्सन को ना तो किसी एक पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, देन उसके कुछ टॉपिक्स के, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात करनी है और ज़्यादा कोई फालतू के टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना है। तो जैसे कि हमें फर्स्ट स्टार्ट करनी है डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। तो सिंपल से जैसे आप ऊपर देख रहे हो कि समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है, ठीक है, जिसमें आर्थिक समस्या या फिर आर्थिक मुद्दों का एक अध्ययन व्यक्ति संपूर्ण स्तर पर किया जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर, संपूर्ण स्तर। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है हम उसमें ऐसे विषय को इंक्लूड करते हैं जो बेसिकली ओवरऑल लगभग सभी से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, मतलब किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से या फिर किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति से क्या रिलेटेड नहीं होते हैं। तो बेसिकली ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम है जो बेसिकली ओवरऑल लगभग पूरे वर्ल्ड फेस करता है। जैसे अगर मैं कहूँ बेरोजगारी, तो बेरोजगारी जो है वो हमारा, उसके अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारा क्या होगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आतंकवाद हो गया, ठीक है, और जैसे कि निर्धनता, ठीक है, ये सारी जो दिक्कतें हो गई, गरीबी वगैरह, ये सारे बेसिकली हमारे जो किसमें आती है, वो हमारी आती है समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। फिर अगला हमारा जो टॉपिक है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र बताइए। तो क्वेश्चन बड़ा साधारण सा समझना है कि क्षेत्र का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो क्षेत्र का मतलब होता है कि जो हम जो मैक्रो पढ़ेंगे 12th क्लास में, आज से जो हमारी वीडियो स्टार्टिंग है, तो उस मतलब वो जो हमारा समष्टि होता है किन किन चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करता है, किन किन चीज़ों के बारे में बताता है, या फिर हम किन किन चीज़ों के टॉपिक को हम उसके अंदर कवर करते हैं। तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, क्षेत्र। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है, राष्ट्र आय का आकलन। तो पहला जो हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो राष्ट्र आय का आकलन। बेसिकली जब आप स्टार्टिंग में इस वीडियो को, आप इस बुक को पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली फोर पार्ट होंगे जो आपके राष्ट्र आय से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो कहीं ना कहीं हमें राष्ट्र आय के रिलेटेड बात बताता है कि राष्ट्र आय क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, राष्ट्र आय में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो वो ओवरऑल टॉपिक इसमें आते हैं। दूसरा हमारा है रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन। ये भी काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन, मतलब कि अगर हमारी इकोनॉमी में कोई इशू है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली हमें वो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमें जो स्टडी करना पड़ता है वो कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है बेरोजगारी जैसे, वो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी के लिए होती है, पूरे कंट्री के लिए होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन, मतलब कि अगर हम उन सारे जो थ्योरी होती है, जो भी सिद्धांत होते हैं जो रोजगार का सृजन करते हैं, तो वो बेसिकली किसके अंदर क्या आता है, वो समझते भी। और नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा के सिद्धांत का अध्ययन। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना हूँ कि मुद्रा का अध्ययन का मतलब क्या है, कि इस हम समष्टि के अंदर जो आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें हम बात करेंगे बैंकिंग वगैरह के बारे में, ठीक है, मनी कैसे, मतलब कमर्शियल बैंक मनी वगैरह कैसे क्रिएट करता है, और फिर जब हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में ज़्यादा महंगाई आती है या फिर ज़्यादा चीज़ सस्ती होती है उसको कैसे कंट्रोल होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो सिचुएशन है, वो हम कहने की समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, सरकारी बजट का अध्ययन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सरकारी बजट का अध्ययन का मतलब, जैसे आपने सुना होगा कि बजट सरकार पेश करती है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हमारे एक पार्टिकुलर एक चैप्टर बनाया गया जो बेसिकली क्या है, सरकारी बजट का। तो कहीं ना कहीं होता है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र उसका एक क्षेत्र ये भी कि वो सरकार से रिलेटेड जो भी उनकी पॉलिसीज होती है, जो भी हमारा टैक्स जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि टैक्स किन किन चीज़ों पर लगाया है, कैसे लगाया, वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो सरकारी बजट के अंतर्गत हमें क्या करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे क्षेत्र है।
और अगर मैं आगे के टॉपिक्स पर बात करूँ तो आगे के टॉपिक्स हमारे एक और हैं जो कह रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व या फिर कार्य। मतलब क्वेश्चन को समझना बड़े तीन चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या कार्य करता है, कैसे फंक्शन करता है, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो कैसे फंक्शन करता है। तो बेसिकली उसमें तीन कार्य किया गया, पहले अर्थव्यवस्था का चित्रण करना। इसको कैसे समझना है कि जो भी हमारे बड़े बड़े नीति निर्माता होते हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री होते हैं, जो भी नीतियों को डिसाइड करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो समष्टि का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या स्टडी करके वो क्या करते हैं, लोग आगे की जो फ्यूचर में मतलब जो भी हमारी पॉलिसी होती है उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हमारे कोई मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है, लाइक जैसे कि बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गई, ठीक है, या फिर मतलब महंगाई वगैरह हो गई, जो भी है, ये सारी चीज़ों को क्या करता है कि वो इससे ये हमें सुनाता है कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। तो कहने की हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ये काम करता है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे आप क्या कर सकते हो, नीतियों का निर्धारण कर सकते हो, जिससे क्या एक इकोनॉमी को क्या हो जाए, चलाया जा सके। तो बेसिकली हम समष्टि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था का चित्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या आर्थिक स्थिरता, हम इसको कह सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कहते हैं ना कि हर एक किसी न किसी चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसा कभी हमारा दिखा नहीं, कभी हमारे अचानक इकॉनमी बिल्कुल हाई हो जाती है, कभी निम्न नीचे आ जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि हमें ये समझना होता है कि हमारी इकोनॉमी को बैलेंस में लाना जरूरी है। तो बैलेंस में बेसिकली हमारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे, तो बैलेंस में लाने के लिए दो पॉलिसी यूज़ की जाती है, जैसे कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो बेसिकली आरबीआई द्वारा जनरेट की जाती है, और दूसरा जो हमारे फिस्कल पॉलिसी जब राजकोषीय नीति कहते हैं वो बेसिकली हमारे गवर्नमेंट के द्वारा क्या चलाई जाती है। और उन दोनों पॉलिसी के द्वारा जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में क्या रहता है, बैलेंस रहता है, कहीं उसमें स्थिरता रहती है, ताकि इकोनॉमी में ना ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा एक्सेस डिमांड है, ना ज़्यादा एक्सेस सप्लाई है। तो ये क्या होती है, आर्थिक स्थिरता। और नीतियों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण का मतलब क्या, नीतियों का निर्धारण का मतलब क्या है कि जो समष्टि का स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि किन क्षेत्रों में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, कितना रोजगार बनाना है, ठीक है, किन चीज़ों पर कितनी मतलब काम करना है। तो इसी से रिलेटेड क्या होती है कि सारी की सारी जो होती है नीतियाँ निर्धारित की जाती है। तो बेसिकली जो हमारे इकोनॉमी होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिकली तीन फंक्शन होते हैं ये। आई होप कि आपके वीडियो को पसंद आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।